नोएडा में देखिए कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने बैरिगेटिंग गिराने का प्रयास किया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नोएडा से, पुलिस की बैरिगेटिंग गिराने का प्रयास किया है। पुलिस ने बैरिगेटिंग के बाद सुरक्षा बल भी तैनात किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से आ रही है, कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है और इसी आंदोलन का आज सातवां दिन है। किसानों ने बैरिगेटिंग गिराने का प्रयास किया है। कल भी आपने देखा था किस तरह गाजियाबाद के यूपी गेट पर बैरिगेटिंग को तोड़कर ट्रैक्टर के जरिए किसानों ने पूरा बैरिगेटिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी और अब नोएडा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। उधर आपको जानकारी दे दें कि आज सातवां दिन है किसान आंदोलन का। कई सारे राज्य के किसान जो है वो इस आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर 3 तारीख के बाद इस समस्या का हल नहीं निकला, किसानों को नहीं मिला जो वो चाहते हैं, तो महाराष्ट्र से भी किसान जो है वो दिल्ली कूच करेंगे। दीपक चौबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? नोएडा में भी बैरिगेटिंग तोड़ने का मामला सामने आ रहा है। जी देखिए, नोएडा में बैरिगेटिंग तोड़ने का मामला आ रहा है जिसको दिल्ली पुलिस ने अलर्ट पर रख दिया है। वहाँ पे सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है और क्योंकि लगातार किसान चाहते हैं दिल्ली में घुसना, इसको लेकर दिल्ली पुलिस पर अलर्ट हो गई है और चाहती नहीं है कि दिल्ली में हो। और दिल्ली दीपक में क्या कोई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं? जैसे कल हमने देखा था डीएनडी ब्लॉक था, क्या आज भी कोई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं? जी देखिए, अगर बात की जाए, अगर अक्षरधाम से अगर नोएडा आना है तो अब आपको सीधा नोएडा की जगह आपको अक्षरधाम से सराय कालेखा होते हुए डीएनडी से आना पड़ेगा, क्योंकि अक्षरधाम और जो नोएडा के बीच में नोएडा गेट था उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको बंद एहतियातन ट्रैफिक पुलिस ने उसको बंद कर दिया। वहीं अगर आप फिल्म सिटी से जाते हैं तो वहां पे भी आपको बंद कर दिया गया है, आपको सीधे घूम के नोएडा से आपको जाना पड़ेगा। तो कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। अगर आप दिल्ली वापस जाना चाहते हैं तो आपको कालिंदी कुंज सबसे बढ़िया रास्ता रहेगा, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक नहीं है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि इन रास्तों से बचे जहां जहां जाम है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने दर्शकों को ये भी बताते रहेंगे कि ट्वीट्स भी आप चेक करते रहा करिए, खासकर जो नोएडा दिल्ली के लोग हैं जो उस रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। बड़ी ही समस्या हर तरफ से दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जा रही है। कहीं पर बैरिगेटिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर सरकार से बातचीत कर रही है। कल का दिन भी बेहद अहम है क्योंकि कल भी सरकार और किसान नेताओं के बीच में बातचीत होगी, जहां एक तरफ पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, वहां दूसरी तरफ किसान बैरिगेटिंग तोड़कर अंदर घुसने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया जानकारी के लिए।